राजस्थान सीएम और गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने गुजरात के सूरत में कांग्रेस विधानसभा में जन आशीर्वाद सभा की। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत गुजरात के प्रभारी थे, तब भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ कई अहम सभाएं गुजरात में की थी। कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी थी। टेक्सटाइल का था और पूरा आज भी हम लोग जो सेवा करें पूरे देश की सेवा करते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर आगे काम करते हैं। सूरत तो विशेष रूप से गढ़ है रोजगार देने वालों का, इसलिए खुशी होती है जब देखते हैं कि गुजरात प्रदेश एक अलग पहचान रखता है। पर लगातार चुनाव जीतने से जो गवर्नेंस है, जो शासन है, वो जिस रूप में हो रहा है उससे दुख भी होता है। अभी मेरे फोन में कहा जा रहा था आपको कि पिछले कोरोना के अंदर जो कोविड-19 आया था, पूरे दुनिया के अंदर महामारी आई, उस वक्त गुजरात फेल हो गया। यहाँ पर जो सरकार थी बदनामी कर रहे पूरे गुजरात की, क्योंकि लंबे लंबे लाइन लगी थी अहमदाबाद के अंदर, ट्रिप लग रही थी गाड़ियों के अंदर ही, एम्बुलेंस के अंदर भी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाई, पूरा देश देख रहा था। कितने लोग मारे गए हो सकता है, उन्होंने कई लोगों की जान बच, लंबे लंबे लाइन लगी थी अहमदाबाद के अंदर, ट्रिप लग रही थी गाड़ियों के अंदर ही, एम्बुलेंस के अंदर भी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाई, पूरा देश देख रहा था। कितने लोग मारे गए हो सकता है, उन्होंने कई लोगों की जान बच जाती। शराब की बात की गई, शराब, नकली शराब, कच्ची शराब, कितने लोग मारे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मौर्य का भी उदान दिया गया, 135 लोग मना कैसे करते हैं। हमने दौरे किए वहां जाकर के, अस्पताल में मिले घायलों से, शमशान घाट पे गए जहां प्रार्थना सभा चल रही थी, मौके पर जाकर देखा क्या स्थिति थी। पर हमने आलोचना नहीं की सरकार की, हमने तय कहा सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट का सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से आज निष्पक्ष जांच कर, मालूम पड़े कि किसी गलती थी, किसी लापरवाही थी, रिपोर्ट के आधार पर आप बाद में कार्रवाई कर सकते। तो लोगों में भय पैदा होगा कि यहाँ घटना होगी तो जांच होगी निष्पक्ष, सजा मिलेगी, तो फ्यूचर में भविष्य में कोई गलती नहीं करेगी, वो भी यहाँ की सरकार को मंजूर नहीं। तो आप सोच सकते हो कि हालात बड़े गंभीर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने गया है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो थी या मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सहित सबको एक साथ बदल दिया गया हो, ये उदाहरण आजादी के बाद में कभी देखने को नहीं मिला होगा आपको देश के अंदर। क्यों किया गया, ये नौबत क्यों आई? कई बार मंत्री लोग ड्रॉप हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, समझ में आता बात, परफॉर्मेंस ज्यादा आता है। पर क्या सबकी परफॉर्मेंस खराब थी? राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लोगों की भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी तो गुजरात में बहुत ज्यादा है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। मोदी जी के वादे पता नहीं 14 में किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पता नहीं लोकपाल, क्या क्या बोलते थे वो पूरा देश सुन रहा था। अब जवान पे वो बातें नहीं आती है। तो आप सोच सकते हो कि पूरे मुल्क के अंदर आज लोगों में आक्रोश है, बहुत भयंकर,
ऊपर तनाव की स्थिति है। राहुल गांधी का कारवा चल पड़ा है, पूरा देश के गांव गांव में घर में संदेश गया है कि राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो जनता की समस्या है, जो भावना है, उसको रिप्रेजेंट करें राहुल गांधी। कल आ रहे हैं आपके गुजरात के अंदर भी आ रहे, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार गुजरात में सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जो पहले गुजरात में घर होता था लोगों को, वो स्थिति अब नहीं रही। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां लगती है नौजवानों की, 5 साल तक फिक्स पे देते उनको, और ओपीए लागू किया हमने, अभी तक भी कर्मचारियों में बहुत बड़ा भयंकर आक्रोश पैदा हुआ है। तो एक मौका अगर आप देते हैं कांग्रेस को, तो केंद्र में सरकार जो है उनको भी झटका लगेगा कि लोगों का मिजाज बदल रहा है, और सरकार विरोधी लहर जो अभी है, 2017 के अंदर भी मैं प्रभारी था, उस पर भी लोगों का गुस्सा तो था, इस बार बहुत भयंकर गुस्सा है सरकार के विरोध में, बहुत भयंकर।